ले आओ जी। नमस्कार जी दोस्तों, जैसा कि पहली वीडियो में एक ट्रैक्टर आपको दिखाया था उसी का भाई है, जे सीरीज में डुअल टैक इंजन में और नए टायरों पर मिलेगा। ये भी फर्स्ट ओनर के नाम ही है ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं, बढ़िया कंडीशन का। पिछले टायर दोस्तों इसमें आपको JK 1 के मिलेंगे और अगले वाले मिलेंगे आपको इसमें। अच्छा, नो मॉडल, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं मैसी फर्गूसन 241 DI। ये जे सीरीज मॉडल है डुअल टैक इंजन में जो पहली पट्टी वाले हैं। तो माइलेज भी ट्रैक्टर का अच्छा और प्लस जो काम भी अच्छा। नंबर की बात करेंगे, अपने ही का नंबर है लोकल का, UP 15 मेरठ नंबर ट्रैक्टर है। नोजिल वगैरह देखा है जी, हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नो 2009 मॉडल है किसान भाई, 2009 मॉडल है जी। बम्पर कंपनी वाला मिलेगा, एक्स्ट्रा इन्होंने हैवी लाइट लगवा रखी है और डुअल टैक इंजन डबल उंगली वाला 241 DI मैसी फर्गूसन। नंबर की बात करेंगे, हरियाणा HR 10 नंबर है हरियाणा में झज्जर का, तो बताने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। और ट्रैक्टर आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा दोस्तों, आप यूँ समझे कि टायर से लेकर इंजन हर तरह से कंप्लीट है, कोई पैसा जो भी किसान भाई लेगा नहीं लगाना। घंटे दिखा दो किसान भाइयों, घंटे चलावा जी 4614 फिलहाल। और पहले जोड़ी टायर उतरे होंगे जी, पहले जोड़ी टायर उतरे होंगे, एक जोड़ी टायर इसने ट्रैक्टर ने तारे हैं। अब फिलहाल इसमें JK के टायर हैं, JK में 1601 13628 जो भी इसमें कंपनी टायर का साइज देती है। और ये 42 HP की श्रेणी में है, किसान के लिए बढ़िया ट्रैक्टर है। माइलेज की बात करेंगे, जो पेली पट्टे वाले इनका माइलेज भी अच्छा है, लिफ्ट की सेंसिंग बहुत बढ़िया, काट बहुत बढ़िया। और वेट कंपनी देती है इसमें 35 KG के, जो कि 241 में पहले से आए हैं बैलेंस के लिए, और प्लस जिससे ट्रैक्टर स्लिप विलिप ना कटे। अब दोस्तों पीछे से कंडीशन दिखाएंगे, लिंक वगैरह जो होती है मेन चीज़ होती है मैसी की, ये बेकार भी लगती हैं तो वेल्डिंग नहीं, साफ फ्रेश लिंक होनी चाहिए। तो इसमें डबल वाली तो गोली है, आप इसमें देसी या टैफे का टीलर कोई से भी लगा सकते हैं। और ये इधर से कंडीशन होगी जी, और ये इधर से होगी। ये जिसमें सिंपल वाला मिलेगा, PTU कैप लगी हुई है, टूल बॉक्स वगैरह सब कंप्लीट है, और ये सपोर्ट के लिए डंडा लगा हुआ एक्स्ट्रा, इंडिकेटर लाइट ये सब आपको ओके मिलेंगे। जैसा हमारे किसान भाई कमेंट करो जहाँ, या पहले भी मैंने वीडियो डाली थी, पहले वाला तो ट्रैक्टर बिक गया जो पहली पट्टी का था, मेरठ नंबर था। तो जैसे और किसान भाई चाह रहे होंगे अपने बजट के हिसाब से कि अच्छा ट्रैक्टर मिल जा जिसमें कोई पैसे भी ना लगाना पड़े, इंजन गियर का अच्छा हो, तो ये ट्रैक्टर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एड्रेस पड़ेगा करनावल गाँव, और भैया का नाम जो सोनू है, मकान पड़ेगा इनका नारंगपुर वाले रास्ते पर, करनावल में सरदने साग गए, जिला मेरठ लग रहा जी। और ट्रैक्टर जैसे आप यूँ समझें, जैसे भाई किसान हैं जो जुड़े हुए हैं, आवे हैं, संतुष्टि करें, चीज़ को देखें और अपनी रेट की बात। तो गियर इसमें पहले से ही जो चले आ रहे हैं 41 में, 4 हाई स्पीड में है। टोटल गियर की बात करेंगे तो 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स, स्टेयरिंग राणे वाला है जो बढ़िया स्टेयरिंग आता है, कम मेंटेनेंस का, तो चाल नहीं मिला बिल्कुल भी। और इसमें जो मीटर आए हैं दोस्तों, ये सिंपल वाले आए हैं, 11-12 मॉडल से बाद में जो ट्रैक्टर आए हैं इसमें फिर डिजिटल दे दिए, बदल का पूरा डैशबोर्ड। ये कंडीशन होगी जी दोस्तों, और ये सील इसकी भी लग रही है यहाँ की जो आप देख रहे हैं। नई बैटरी है जी, ठीक। दोस्तों ये तो ऑयल प्रेशर होगा, जो मीटर चल रहा है ये भी चल रहा है, गेज वाला, ये वाला, धुआं वगैरह नहीं है जी, बढ़िया ट्रैक्टर है, इंजन बहुत बढ़िया जवाब दे रहा है। कह रहे हैं अंकल जी, कह रहे हैं कि शानदार आवाज़ है, आवाज़ बढ़िया निकाल रहा जी, बेहतरीन।
प्रोटेक्टर आपको पूरा अच्छी कंडीशन में मिलेगा, सिर्फ हल्की फुल्की टचिंग जो है वो आपको मरगार्ड के ऊपर मिलेगी, बाकी और कहीं पैंट वैंट नहीं है। और आम है मौके पर संतुष्टि करें, जो चीज़ दिखा रहे हैं वही मिलेगी जी, ऐसी बात नहीं है। किसान भाइयों को भी कुछ दिखाया और फिर मौके पर कुछ मिला, टायर इसमें जेके सोना के मिलेंगे आपको और अगले वाले मिलेंगे। ये है ट्रैक प्रो कंपनी के नए से ही हैं। अच्छा जी, दोस्तों ये इसकी प्लेट होगी जिस पर डिटेल आती है। इसकी जो इंजन की सीरीज है 325 से शुरुआत होती है इसकी, जो 42 HP में है और 2500 CC का इसमें इंजन सिम्पसन्स कंपनी का दिया जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं। और छतरी लगी हुई मिलेगी आपको, बम्पर लगा हुआ मिलेगा। अब क्या इसकी डिमांड वमांड क्या क्या विचार है जी देने का, पैसे वैसे कीमत? 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये के लिए कह रहे हैं जी भैया, मौके पर हाँ है, चीज़ को देख कर अपनी बातचीत कर लें, मान सम्मान गुंजाइश वाली बात बिल्कुल होगी। और किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, कभी आप यूँ सोचे कि कहीं से और से भी ट्रैक्टर ले हुए तो सारी चीज़ देख कर ले हुए भैया, टायर भी जो है एक मेन चीज़ हो ट्रैक्टर में, इंजन भी अच्छा हो और भी कई चीज़ें देखने की। किसान भाई ने मंदे के चक्कर में टायर हल्के ले लिए या इंजन का हल्का ले लिया ट्रैक्टर, फिर उसमें पैसे लगावा वो महंगा पड़ जाएगा। तो भले ही चाहे 2 रुपये चीज़ कैडी ले, कहीं से भी ले तो बढ़िया चीज़ ले किसान भाई। मैसी में क्या है, निखालिस मॉडल मायने नहीं रखता, आप इसकी कंडीशन जो भी कहीं से किसान भाई ट्रैक्टर लेगा, कंडीशन टायर टप्पे इंजन सारी चीज़ देखनी पड़े। तो हल्का ट्रैक्टर ना ले, कहने का मतलब ये है। और अपने अपने बजट की बात है जी, मुजफ्फरनगर में बहुत, जैसा आप वीडियो देख रहे हैं मुजफ्फरनगर की बहुत वीडियो डल रही हैं, उसमें मैं नाम तो खोल नहीं रहा, किसान भाइयों से बताऊंगा, बिहार बंगाल आसाम के नंबर ट्रैक्टर आ रहे हैं। और किसान भाई मंदा समझ के ले जाएं, फिर पकड़ा तकड़ी हो, कागजों में दिक्कत हो, ट्रैक्टर भी जा किसान का, पैसे भी जाएं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुजफ्फरनगर की बता रहा हूँ जी, बाहर के नंबर नाले में ट्रैक्टर ख़त्म मिला है, टैक्स पेड ट्रैक्टर आवे हैं, आप यूँ समझो पीछे का ट्रैक्टर पे कोई यूपी में को धकेलते हैं, उनका पीछे का कोई हिस्ट्री का पता नहीं है। किसान भाई ये सोचे हैं कि जी कोई दिक्कत नहीं चलाओ जाएंगे, पहले उसमें काम करवाएगा किसान, मंदा लेगा फिर काम करवाओगे और सालों का कागजों का पता नहीं, कहीं ट्रैक्टर लग जाएगा तो ट्रैक्टर फिर छूटते नहीं हैं। बाहर के नंबर लेने से बचें, खासकर मुजफ्फरनगर से, कहीं से भी ट्रैक्टर ले, लिखित में ले, जिम्मेदारी पर हर तरह से, ओनर की आईडी मिल जाए तो बेहतर है। तो दोस्तों सादा यही कोशिश रही है, बहुत किसान भाई हमारे अदर स्टेट के हैं, वे भी ट्रैक्टर लेना हुए हैं, विश्वास पर लेकर जावे हैं, तो बढ़िया चीज़ लें जी, बाहर के नंबर ना ले, बिहार बंगाल आसाम मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर ना ले। मुजफ्फरनगर के जो ट्रैक्टर हैं बहुत मेरा पकड़ा तकड़ी हुई है, बहुत मेरा शिकायत आई है। एक दो भाई यूट्यूबर उन्होंने वीडियो घेरी है, ट्रैक्टर लिया मिस्त्री ने जब खोला तो ट्रैक्टर ख़त्म मिला, पिछले हिस्से में पैसे लगा रहे हैं और भी कई चीज़ों में लगा रहे हैं, तो बाहर के नंबर से मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर लेने से बचा किसान भाई। और बाकी सब समझदार हैं जी, अपने हिसाब से जैसे भी उचित लगे। तो आज की वीडियो में दिखाया जी आपको, रेट में गुंजाइश बिल्कुल होगी जी, मौके पर हमारे अपनी बात कर लें, क्या छोड़ देंगे जी, क्या गुंजाइश करेंगे, जो ओनर हैं वो इनसे आके बात कर लें। एड्रेस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सोनू चौधरी हैं भाई जो ओनर हैं, गाँव पड़ेगा करनावल, और रोड जो है ये आपका यहाँ से भी आ सकते हैं, मेरठ से, शामली रोड से, और सरदने से भी आ सकते हैं, नारंगपुर वाले रास्ते पर। नंबर दो भैया का, फ़ोन पर संपर्क कर लेना भैया। साथ में कुछ टोपलिंग फंडी मिलेगी, कुछ सामान होगा तो मिलेगा इसके साथ का, किसान आकर बुझ जाए फिर, डंडा मिलेगा साथ में? ठीक है जी। तो स्टार्ट करके बढ़ा दो जी, तुम ही करोगे? कर दो, आ जाओ, या तो बैक ही कर दी उन्होंने घुमा के। दोस्तों ये ट्रैक्टर डुअल क्लच में आता है, बढ़िया ट्रैक्टर है, तो हम इधर आए हुए थे भैया, ये संपर्क हुआ, इनका विचार था देने का, इनके पास में एक ट्रैक्टर और खड़ा स्वराज, ये एक्स्ट्रा मानना आप, काम भी इतना नहीं है, तो ट्रैक्टर इनके इनका देने का विचार है। आपको
का चैनल वासु चौधरी के नाम से, वासु फोगाट 007। तो आपका चैनल जो ब्लॉगिंग का, ठीक है, जो हमारे दर्शक चैनल है वासु फोगाट के नाम से, और चैनल पर जावें, इनके भैया की वीडियो देखें। वीडियो तो डेली डालते हो? डेली वीडियो डाल रहे हैं जी ब्लॉगिंग की। और शौक की बात करें जी, आपका इंटरेस्ट मतलब किस चीज़ का शौक करते हो? करडा है आपके पास में, ट्रैक्टर हैं, ठीक है, तो आपके पास में ट्रैक्टर होगा 241, एक वो होगा 16855 है, ठीक है चलो। और भैया की मैं देखूँगा उसमें भी लगा दूँगा इनकी एक आधी वीडियो, या नाम इनका बता दिया तो सर्च करें जी, जाओ इनकी वीडियो देखें भाई की।